ये है हम हिंदुस्तानी पोएट्री पॉडकास्ट और मैं समीना मिश्रा। ये पॉडकास्ट हम हिंदुस्तानी रिसर्च प्रोजेक्ट के तहत की गई वर्कशॉप्स में बच्चों द्वारा लिखी कविताओं का एक चुनिंदा गुच्छा है। ये कविताएं भारत के संविधान में आश्वासित स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे के मूलों पर खोज और ख्याल करती हैं। इन कविताओं को लिखने वाले बच्चे छठी से नौवीं कक्षा के बीच और तीन जगहों से हैं। शाहीनबाग दिल्ली, जो कि नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी CAA के खिलाफ एक अहम मोर्चा रहा। ग्रामीण फिरोजपुर पंजाब, जो किसान आंदोलन में सक्रिय था। और किताब महल गोवंडी मुंबई, जहां दलित और मुसलमान बच्चों के लिए एक लाइब्रेरी है। ये एक मिला जुला समूह है। कुछ बच्चे अंग्रेजी माध्यम प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ते हैं, बाकी सरकारी स्कूलों में। कुछ ने हिंदी में कविताएं लिखी, बाकी ने अंग्रेजी में बनाई। अपनी कविताओं में उन्होंने अपने अलग अलग परिवेश को शामिल किया और अपने जीवन अनुभवों की झलकियां साझा की। इन बच्चों और उनके कविताओं को सुनकर हमें स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे के अपने अनुभवों पर गौर करने का मौका मिलेगा। नागरिकता के क्या मायने होते हैं या हो सकते हैं, उन पर भी हम सोच सकेंगे। शायद ये कविताएं उस दुनिया को देखती हुई खिड़की खोल सकती हैं जिसमें हम रहने के ख्वाहिशमंद हों। इस एपिसोड में हम आजादी पर बच्चों की आवाज सुनेंगे। गांव, शहर, लड़का लड़की, अमीर गरीब, हिंदू मुस्लिम और सिख परिवार के बच्चे, इन विभिन्न बच्चों ने आज़ादी पर अपने अलग अलग रोजी अनुभवों को साझा किया है। वो क्या बातें हैं जो उन्हें आज़ाद महसूस कराती हैं? क्या इस पर इन बच्चों की मुँह ज़बानी सुनकर हम आज़ादी के स्वभाव के बारे में कुछ सीख सकते हैं? मैं आज़ाद हूँ। मैं स्कूल में आज़ाद हूँ। किसी भी विषय को पढ़ने के लिए, खेलने के लिए, बोलने के लिए, सवाल पूछने के लिए। मैं स्कूल में कोई भी किताब पढ़ सकती हूँ, लेकिन मैं बात करने के लिए आज़ाद नहीं हूँ। मैं स्कूल में आज़ाद नहीं हूँ। दोस्तों से बात करने के लिए, ज़्यादा बात करने के लिए, मज़ा करने के लिए। मैं लाइब्रेरी में आज़ाद हूँ। मैं कोई भी सवाल पूछ सकती हूँ, मुझे यहाँ बुरा नहीं लग सकता। मैं घर पर आज़ाद हूँ। मैं कुछ भी पढ़ सकता हूँ, लेकिन मैं लड़ने के लिए आज़ाद नहीं हूँ। मैं घर पर आज़ाद हूँ। मैं कुछ भी सोच सकता हूँ, लेकिन मैं खेलने के लिए आज़ाद नहीं हूँ। मैं घर पर आज़ाद हूँ। मैं टीवी देख सकती हूँ, फ़ोन इस्तेमाल कर सकती हूँ, पर मैं मस्ती करने के लिए आज़ाद नहीं हूँ। मेरे सपनों के घर में आज़ादी होगी, बोलने की, खेलने की, सोचने की। मैं लाइब्रेरी में आज़ाद हूँ। मैं कोई भी सवाल पूछ सकती हूँ, मुझे यहाँ बुरा नहीं लग सकता। मैं घर पर आज़ाद हूँ। मैं कुछ भी पढ़ सकता हूँ, लेकिन मैं लड़ने के लिए आज़ाद नहीं हूँ। मैं घर पर आज़ाद हूँ। मैं कुछ भी सोच सकता हूँ, लेकिन मैं खेलने के लिए आज़ाद नहीं हूँ। मैं घर पर आज़ाद हूँ। मैं टीवी देख सकती हूँ, फ़ोन इस्तेमाल कर सकती हूँ, पर मैं मस्ती करने के लिए आज़ाद नहीं हूँ। मेरे सपनों के घर में आज़ादी होगी, बोलने की, खेलने की, सोचने की। ये कविता कई बच्चों की लिखाई से मिलकर बनी है। उनकी आवाजों से एक बात सामने आती है, एक ही जगह, वो चाहे घर हो या स्कूल, किसी को आज़ाद महसूस करा सकती है और किसी को नहीं।
क्या आप किसी लाइन में खुद को देख पाए? आदमी पैदा आजाद होता है और हर जगह वो जंजीरों में जकड़ा रहता है। ऐसा जॉन जाक रूसो ने सन 1762 में शाया हुई द सोशल कॉन्ट्रैक्ट में लिखा था। हर एक व्यक्ति के लिए आजादी एक जरूरी स्थिति होती है, मगर जैसे कि रूसो ने फरमाया था, वो यूं ही आसानी से नहीं मिलती। अलग अलग लोगों की विविध जीवन परिस्थितियों के हिसाब से आजादी के लिए संघर्ष का रूप बदलता रहता है। इस कविता को ही देखिए। एक भीड़भाड़ वाले मोहल्ले के छोटे से घर में रहने की वजह से इस बच्चे को टीवी देखने या कुछ भी पढ़ने लायक आजादी तो महसूस होती है, मगर मस्ती और खेलकूद की नहीं। उनके लिए उसका घर काफी छोटा है। माना कि आजादी एक यूनिवर्सल मूल है, पर इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि जैसे आजादी के बारे में हम सोचते हैं वैसे ही सब सोचते हों। आजादी के प्यासे, आजादी चाहिए, जींस पहनने की आजादी चाहिए, लड़का लड़की को एक ही स्कूल में जाने की आजादी चाहिए, घर के बाहर अकेले जाने की आजादी चाहिए, शानदार जिंदगी जीने की आजादी। जिन आजादियों की बात इस कविता में है वो हम में से कुछ लोगों के पास है, कुछ के पास नहीं। कुछ को तो ये सुनकर अजीब लगा होगा कि जीन्स पहनने या अकेले बाहर जाने में भी आजादी हो सकती है। क्या हम अपने सोचने में एक ऐसी जगह बना सकते हैं जहां आजादी की विभिन्न कल्पनाएं और अनुभव साथ में शामिल हों? जो चीजें किसी के लिए बंदिश होती हैं वही किसी दूसरे के लिए आजादी का रास्ता बनती हैं। ऐसा मुमकिन है कि इसका कारण हमारे विविध ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और सामाजिक परिवेश हों। जब हमारे परिवेश अलग होते हैं तो आजादी के लिए संघर्ष करने की क्षमताएं भी अलग होती हैं। हम जैसी जिंदगी जीना चाहते हैं वो तब ही मुमकिन होगी जब हम सबको अपनी आजादियां चुनने का मौका मिले। क्या सुनने से ये समझना मुमकिन होगा कि जिंदगी अलग तरीकों से शानदार हो सकती है? ये कौन तय करता है कि क्या शानदार है, क्या आजाद है? शुद्धव्रता सेनगुप्ता एक कलाकार हैं रक्स मीडिया कलेक्टिव के साथ। वो लेखक और राजनीतिक वक्ता हैं जो काफी समय और गहराई से आजादी पर विचार कर रहे हैं। इन कविताओं पर उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की। मैंने ये दोनों कविताएं पढ़ी और मुझे बहुत मजा आया। दूसरी कविता में एक बहुत अहम बात कही गई है, मस्ती की आजादी, और मुझे दोनों कविताओं को पढ़ के मुझे मस्ती का एहसास हुआ, क्योंकि मुझे वो वक्त याद आया जब मैं खुद एक बच्चा था, जब मैं स्कूल जाता था और स्कूल में आजादी की जो चाहत होती है, जो ख्वाहिश होती है, वो घर वापस आके एक दूसरे आजादी की चाहत या ख्वाहिश में बदल जाती है, तब्दील हो जाती है। और ये बहुत अहम बात है कि आजादी सिर्फ एक रंगा चीज नहीं है, वो सतरंगी सी एक जैसे वो होता है ना, इंद्रधनुष या रेनबो जिसको हम कहते हैं, उसमें बहुत सारे रंग होते हैं, तरह तरह की आजादियां होती हैं और तरह तरह के ख्वाहिश और अरमान और कैपेसिटीज, हमारी कुछ कहने की, कुछ करने की जो ताकत है वो उसको आजमाती है आजादी। और पहले जो कविता में एक बहुत बड़ी बात कही गई है कि स्कूल में मैं कुछ भी पढ़ सकता हूँ, कुछ भी खेल सकता हूँ, लेकिन बोलने की आजादी नहीं है, और हम सब इस चीज से वाकिफ हैं। टीचर कहती थी बोलना बंद, चुप रहो। तो अगर हम बोल नहीं सकते हैं तो फिर पढ़ने, लिखने, खेलने का क्या फायदा? इस कविता, दूसरी कविता में मस्ती की बात आती है, और वो मस्ती जो है, मस्ती के लिए कोई वजूहात नहीं देने पड़ते, और अगर हम मस्त ना हो तो फिर बाकी किसी चीज में हमें खुशी से हम नहीं उसको अपना पाएंगे। इसलिए मस्ती की आजादी मेरे ख्याल से बहुत जरूरी है, और मैं बहुत शुक्रगुजार हूं कि किसी ने मस्ती की आजादी को याद किया। आ, 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 आ,
मैं आजाद हूँ, मैं स्कूल में आजाद हूँ, किसी भी विषय को पढ़ने के लिए, खेलने के लिए, बोलने के लिए, सवाल पूछने के लिए। मैं स्कूल में कोई भी किताब पढ़ सकती हूँ, लेकिन मैं बात करने के लिए आजाद नहीं हूँ। मैं स्कूल में आजाद नहीं हूँ, दोस्तों से बात करने के लिए, ज्यादा बात करने के लिए, मजा करने के लिए। मैं लाइब्रेरी में आजाद हूँ, मैं कोई भी सवाल पूछ सकती हूँ, मुझे यहाँ बुरा नहीं लग सकता। मैं घर पर आजाद हूँ, मैं कुछ भी पढ़ सकता हूँ, लेकिन मैं लड़ने के लिए आजाद नहीं हूँ। मैं घर पर आजाद हूँ, मैं कुछ भी सोच सकता हूँ, लेकिन मैं खेलने के लिए आजाद नहीं हूँ। मैं घर पर आजाद हूँ, मैं टीवी देख सकती हूँ, फोन इस्तेमाल कर सकती हूँ, पर मैं मस्ती करने के लिए आजाद नहीं हूँ। मेरे सपनों के घर में आजादी होगी, बोलने की, खेलने की, सोचने की। मैं लाइब्रेरी में आजाद हूँ, मैं कोई भी सवाल पूछ सकती हूँ, मुझे यहाँ बुरा नहीं लग सकता। मैं घर पर आजाद हूँ, मैं कुछ भी पढ़ सकता हूँ, लेकिन मैं लड़ने के लिए आजाद नहीं हूँ। मैं घर पर आजाद हूँ, मैं कुछ भी सोच सकता हूँ, लेकिन मैं खेलने के लिए आजाद नहीं हूँ। मैं घर पर आजाद हूँ, मैं टीवी देख सकती हूँ, फोन इस्तेमाल कर सकती हूँ, पर मैं मस्ती करने के लिए आजाद नहीं हूँ। मेरे सपनों के घर में आजादी होगी, बोलने की, खेलने की, सोचने की। आजादी के प्यासे, आजादी चाहिए, जींस पहनने की, आजादी चाहिए, लड़का लड़की को एक ही स्कूल में जाने की, आजादी चाहिए, घर के बाहर अकेले जाने की, आजादी चाहिए, शानदार जिंदगी जीने की, आजादी। ये कविताएं हम हिंदुस्तानी का हिस्सा हैं, जो TSF इंडिया के लिए बच्चों और नागरिकता पर एक प्रोजेक्ट है। इस एपिसोड की आवाजें थीं अन्वी, दानियाल, रुद्र, लक्ष्मी, लबीना, सारा, सिद्दीका। हम हिंदुस्तानी पोइट्री पॉडकास्ट मैजिक की सेंटर फॉर द आर्ट्स एंड चाइल्डहुड की प्रस्तुति है। इसकी लेखक और मेजबान हूँ मैं, समीना मिश्रा। कविताएं पढ़ने वाले बच्चों की मेंटोर रहीं अनन्या त्रिपाठी। स्टूडियो रिकॉर्डिंग्स अमर्त्य घोष द्वारा क्वार्टर नोट स्टूडियोज पर की गई हैं। संगीत दिया है शीरीन घोष ने। जो गीत आपने सुना उसको आवाज दी है ईशान चिंतामणि ने। इस पॉडकास्ट के निर्माता हैं वाका मीडिया। हम हिंदुस्तानी वर्कशॉप में भाग लेने और कविता लिखने वाले सभी बच्चों का तह दिल से शुक्रिया। आप हमें इंस्टाग्राम पर द मैजिक की सेंटर पर फॉलो कर सकते हैं। इस प्रोजेक्ट पर अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट hum-hindustani.in भी देख सकते हैं। इस पॉडकास्ट को रोहिणी नीलकनी फिलैंथ्रोपीज की साझेदारी हासिल है।